सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं आज का टॉपिक होगा हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्लास 11 फिजिक्स का, और झारखंड बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इस टॉपिक्स में आपको बहुत कम कुछ पढ़ना है, और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो आपका सिर्फ आता है थ्योरेटिकल, यानी सिर्फ आते हैं इसमें डेफिनेशन। तो हम बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक्स। टॉपिक है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी जो आपके सॉलिड होते हैं, यानी आपके सामने जो भी सॉलिड बॉडी है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले बात हम करते हैं, इसमें एक टर्म आता है हमारे, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप खींचते हो ना, खींचोगे तो हमें कैसा लगता है, जैसे मान लो कि आपके पास एक रबड़ बैंड है, आप रबड़ बैंड को जब ऐसे एक्सपैंड करते हो तो क्या होता है, छोड़ने पर क्या होगा, वो आपस अपने स्ट्रक्चर को गेन कर लेता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो क्या होता है, इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटेरियल ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स आर अप्लाइड ऑन इट। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसे बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो हम जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं बाहर की ओर, तो इसको अपोज करता है, कौन सा अपोज करता है, इस ये भी जो हमारा मेटेरियल है, जो हमारा रबड़ बैंड है, उसकी एक प्रॉपर्टी है जो उसको अपोज करना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो यह आता आपका आता सिंपल सा डेफिनेशन, व्हाट इज इलास्टिसिटी। सेकेंड टाइम आता है, ये तो हो गया हमारा इलास्टिसिटी के बारे में हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं हमारे पास प्लास्टिक बॉडी। एक तो हो गया इलास्टिक बॉडी, जो अपने जिसको फोर्स लगाओ और अपने शेप को रिगेन कर ले, उसे हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, तो ए बॉडी विच डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज प्लास्टिक बॉडी। जैसे प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, उसको अगर आप ऐसे थोड़ा सा अगर आप खींचोगे तो टूट जाएगा, है ना, या खींचोगे तो वो अपने शेप को रिगेन नहीं करेगा। ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं, ऐसे शेप को हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी, यानी ए बॉडी which does not have the property of opposing the deforming force is known as plastic body. बात करते हैं restoring force. Restoring force क्या होती है? तो जब हम कोई external force लगाते हैं किसी object पर, यानी when an external force act any object, तब an internal resistance produce in the substance due to the intermolecular force which is called restoring force. तो अगर हम किसी spring को मान लो, हमने ये हमारे पास मान लो spring है, देखो अब मान लो मेरे पास ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अपने इस पोजीशन पर क्या है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जब इसको बाहर, जब इसको आप देखो अंदर की खींचोगे तो एक रेड कलर का फोर्स है जो अंदर की ओर लगता है, और जब आप इसको बाहर की ओर खींचते हो तो एक रेड फोर्स है जो अंदर की ओर लगता है। तो जस्ट उल्टा काम होता है, जब आप स्प्रिंग को अंदर कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग एक फोर्स बाहर की ओर लगाता है, ठीक है। जैसे आपने फोर्स अंदर कंप्रेस किया तो फोर्स बाहर लगा, अब आपने स्प्रिंग को खींचा तो एक फोर्स अंदर की ओर लगा। तो ये जो फोर्स होता है, जो रेड कलर का फोर्स है, यानी जो हमारे फोर्स को अपोज करता है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स मतलब हम जो जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर, तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है बॉडी पर। जैसे स्प्रिंग में, जैसे आपने स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है जो क्या चाहता है, जो चाहता है इस फोर्स को अपोज करना, यानी एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करना। और क्यों, क्योंकि स्प्रिंग किससे बना है, स्प्रिंग मॉलिक्यूल से बना है, और उसके बीच जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स। तो मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण क्या होता है, उसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होता है, जिसे हम, और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इस इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, यानी अपने चीज, अपने शेप को रीस्टोर कर लेना। तो आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, व्हाट इज प्लास्टिक बॉडी, व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्सेस, तो आपके बारे में ये डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या चीज है, तो स्ट्रेस बोलते हैं द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, है ना। यानी किसी चीज पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसका शेप चेंज होगा, ठीक है। तो इस चीज को फोर्स ना, उसका उसका शेप चेंज होगा तो उसका एरिया भी चेंज होगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं ना। तो स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल, याद रखना, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे आपने इसको स्प्रिंग को बाहर खींचा, ठीक है, तो आपने फोर्स लगाया और इसका ये एरिया ए हो गया, तो एफ अपॉन ए क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए को आप बोलोगे स्ट्रेस बोलोगे। तो देखो जैसे हमने फोर्स लगाया तो क्या हो रहा है, इसका लेंथ चेंज हो रहा है ना, ऐसा लेंथ चेंज होता है। इस चेंज लेंथ को क्या बोलते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल से एक फोर्स हमने बाहर लगाया तो इसका एरिया, और इसका एरिया ए है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेस बोलते हैं। बात समझ आ गया यहां तक,
अब बात करते हैं इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर। तो इसका यूनिट हो जाएगा इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन याद रखना, इसका डायमेंशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे स्ट्रेस का पूछा जाता है डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ये इसका हो जाता है आपका डायमेंशन स्ट्रेस का। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ स्ट्रेसेस ना, कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्ट्रेस होता है उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है कि व्हेन स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। जब हमारा जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या हो, सरफेस के नॉर्मल हो, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो इस टाइप के स्ट्रेस हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जैसे मान लो कि मेरे पास एक रॉड लगा है ऐसे, ना ये रॉड ऊपर क्या फिक्स किया हुआ है। अब क्या है कि यहाँ पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, इसमें जो आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स कैसे लगा रहे हो, ऐसे, ठीक है। तो एरिया तो आपका ये हो गया। तो एरिया के जब ये परपेंडिकुलर होता है तो इस टाइप के स्ट्रेस को क्या बोलोगे, इस टाइप के स्ट्रेस को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सेकंड आता है हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेस। तो कहता है इफ इक्वल नॉर्मल फोर्सेस आर अप्लाइड ओवर एवरी यूनिट सर्फेस ऑफ बॉडी देन इट अंडरगोज ए सर्टेन चेंज इन वॉल्यूम, द फोर्स अपोजिंग दिस चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज वॉल्यूम स्ट्रेस। देखो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है कि मान लो मेरे पास अगर ये कोई बॉडी है, हमारे पास मान लो एक क्यूब है ऐसे, ठीक है। अब क्या करें, इस पर हम चारों साइड से फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं हम इसके हर एक सरफेस से, हम फोर्स लगा रहे हैं कैसे, इसके सरफेस के क्या परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इक्वल नॉर्मल फोर्स, है ना। कैसे बोलेंगे हम, इक्वल नॉर्मल फोर्स, मतलब हर एक सरफेस एरिया पे हम क्या लगा रहे हैं, इक्वल नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं ओवर एवरी यूनिट सरफेस ऑफ बॉडी। तो क्या होगा, इट अंडरगो सर्टेन चेंज इन वॉल्यूम। अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, चारों साइड से फोर्स लगाओगे तो इसका जो शेप था वो छोटा सा छोटा हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। शेप छोटा होने का मतलब इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो क्या कहते हैं, फोर्स अपोजिंग द दिस चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज स्ट्रेस, वो क्या कहते हैं, हम वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। सेकंड थर्ड आता है हमारा शेयर स्ट्रेस, है ना। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस बोलते हैं व्हेन स्ट्रेस इज टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेस ऑफ बॉडी देन इट इज नोन एज शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो देखो अब स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, पहली बात थोड़ा सा, अब लास्ट में बात करते हैं शेयर स्ट्रेस के बारे में, जो हमने बताया था कि व्हेन द स्ट्रेस इज टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी देन इट इज नोन एज शेयर स्ट्रेस। अब ड्यू टू दिस शेयर स्ट्रेस द शेप ऑफ बॉडी चेंज और गेट ट्विस्टेड अबाउट बट नॉट इट्स वॉल्यूम। अब कहता है इसमें जब शेयर स्ट्रेस में क्या होता है कि आपका उसका जो शेप है वो तो चेंज होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, कैसे होता है, तो मान लो अगर मेरे पास ये एक क्यूब है, ठीक है, मतलब मेरे पास एक ऐसा क्यूब है, तो शेयर स्ट्रेस होता क्या है, कह रहा है इसमें हम फोर्स कहाँ लगाएंगे, है ना। मान लो इसमें हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, तो कह रहा है इसमें जो हम फोर्स लगाने वाले हैं वो फोर्स कहाँ होगा, स्ट्रेस क्या होना चाहिए, वो टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेस होना चाहिए। मतलब इसके ऊपर ऊपर वाले सरफेस को टच करो और इसको आगे थोड़ा सा स्लाइड कर दो, है ना, आगे की ओर से पुश करो। और इसका जो नीचे वाला फिक्स एंड है वो मान लो फिक्स है ना, नीचे जो एंड क्या है वो फिक्स किया हुआ है। अब मान लो अगर ये रबड़ का होगा तो क्या होगा, अगर रबड़ का होता तो इसका ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा आगे ट्विस्ट कर जाएगा, कैसे, वो कुछ इस तरह से ट्विस्ट कर जाएगा कि आपका जो ये शेप था पहले, देखो थोड़ा सा, जैसे मान लो अगर ये आपका शेप कुछ इस टाइप का शेप है तो ये शेप कैसा हो जाएगा, ये शेप थोड़ा आपका आगे थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाएगा, कैसे, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, कुछ आपका इस टाइप से इसका शेप हो जाने वाला है ना, ऐसा टाइप से, तो थोड़ा सा आगे स्लाइड कर जाएगा। इस चीज को लोग याद होते हैं, इस चीज को लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। तो इस पे आपसे पूछा जाता है डेफिनेशन, तो व्हेन द स्ट्रेस इज टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी देन इट इज नोन एज शेयर स्ट्रेस। बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में, स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन बोलते हैं चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। मान लो किसी बॉडी का लेंथ चेंज हो रहा है तो उसका लेंथ कितना चेंज हो गया डिवाइड बाय उसका ओरिजिनल लेंथ। बात करते हैं अगर एरिया में हो, क्या अगर किसी चीज का एरिया चेंज हो रहा है तो एरिया कितना चेंज कर गया, यानी चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया। और सिमिलरली आप वॉल्यूम के बारे में भी बोल सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे स्ट्रेन। अब इसमें तीन टाइप के स्ट्रेन होते हैं जो मैंने पहले बताया हमने, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ ए बॉडी अपॉन इनिशियल लेंथ ऑफ द बॉडी। तो मान लो अगर मेरे पास एक बॉडी है जिसका पहले इनिशियल लेंथ कितना था, एल था, ठीक है, पहले मेरे पास इनिशियल लेंथ एल था। अब इस पर हम नीचे एक वेट लगा दिया, वेट लगाने से क्या हुआ कि इसका शेप जो लेंथ था वो थोड़ा सा चेंज कर गया। तो अब इसका लेंथ कितना चेंज कर गया है, कितना चेंज हो गया लेंथ में, तो डीएल। तो ये डीएल मतलब चेंज इन लेंथ डीएल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल,
इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। याद रखना स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि ऊपर भी डेल्टा एल है नीचे भी एल है, तो दोनों लेंथ को अगर डिवाइड करोगे तो कोई भी डायमेंशन नहीं आएगा, इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकेंड आता है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जैसे मान लो कि मेरे पास ये पहले इसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, जो बाहर वाला वॉल्यूम है वो पहले उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, इसको हमने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने पर क्या हुआ, इसका शेप छोटा हो गया। छोटा हो गया कैसे हो गया, जो इसका अभी डैश डैश लाइन से जो बना हुआ है अब ये उसका वॉल्यूम इतना छोटा हो गया है। तो वॉल्यूम कितना पार्ट चेंज, कितना पार्ट इसका वॉल्यूम चेंज आया, तो वॉल्यूम में इतना पार्ट चेंज हो गया है ना, इतना वॉल्यूम इसका घट गया है, जो पोर्शन का बाहर आ गया यही वॉल्यूम तो क्या हो गया, यही वॉल्यूम उसका घट गया है, ठीक। और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, तो जो कैपिटल वी है वो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था, यानी पूरे ब्लॉक का जो इनिशियल वॉल्यूम था वो हमारा कैपिटल वी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन को बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी चेंज इन वॉल्यूम हो गया डेल्टा वी अपॉन स्टार्टिंग वॉल्यूम कितना था, वी था, जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। ऐसा केस आपके साथ एक स्प्रे के साथ मिल सकता है, एक बॉल लो, बॉल को आप कंप्रेस कर दो, तो हो सकता है कि वॉल का कितना पार्ट वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, तो डेल्टा वी इतना पार्ट वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, यानी ये चेंज इन वॉल्यूम है डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, कैपिटल वी है ना, कैपिटल वी क्या इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, और ये जो आप येलो कलर से जो शेप बना हुआ है ये क्या है इसका, ये चेंज इन वॉल्यूम है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देंगे ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम है, इसे हम बोलेंगे ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हो जाएगा हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन। तो जिस तरह से हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है ना, वॉल्यूम स्ट्रेस होता है और शेयर स्ट्रेस होता है, उसी तरह हमारे पास स्ट्रेन भी तीन टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन होता है, और लास्ट हमारे पास आता है इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। जैसे हमारे पास शेयर स्ट्रेस होता है उसी तरह हमारे पास शेयर स्ट्रेन भी है। अब शेयर स्ट्रेन क्या है, तो शेयर स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं फाई से, ही होता है डेल्टा एल अपॉन एल। वैसे तो अब डेल्टा एल अपॉन एल क्या है, तो थोड़ा इसको समझते क्या होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि मान लो पहले स्टार्टिंग में इसका जो शेप था वो किस टाइप का शेप था, पहले ये इसका ओरिजिनल शेप था ना, पहले ये इसका ओरिजिनल शेप कुछ इस टाइप का था, ये जो मैंने बनाया येलो कलर से ये इसका पहले मान लो ओरिजिनल शेप था। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसके ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा सा स्लाइड कर दो ना, ऊपर वाले को, ऊपर वाले सरफेस पे हाथ रखो और पे आगे की ओर थोड़ा स्लाइड कर दो, तो क्या होगा, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा आगे टिल्ट कर जाएगा, यानी थोड़ा सा वो टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो कितना टेढ़ा हो गया, तो देखो यहाँ जो एंगल बनेगा इसे बोलेंगे फाई। अब कितना आगे ये शिफ्ट कर गया है पहले, तो डेल्टा एल है ना, और ये एल क्या हो जाएगा, इसकी ओरिजिनल लेंथ है ना, इसका जो हमारे पास जो क्यूब था उसका जो साइड लेंथ था वो कितना था, वो एल था, और इसको जब से हमने ऊपर से फोर्स लगा के थोड़ा सा आगे इसको स्लाइड कराया, तो स्लाइड करने के बाद ये एंगल थीटा से आगे स्लाइड कर गया, तो कितना आगे ये ऊपर का फोर्स, ऊपर का जो एज था वो कितना आगे भाग गया, ए से ए डैश वो डेल्टा एल आगे भाग गया। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे शेयर स्ट्रेन, क्या बोलेंगे, तो शेयर स्ट्रेन हो जाएगा हमारा ये डेल्टा एल अपॉन थीटा, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम डेल्टा एल अपन कैपिटल एल को बोलेंगे हम लोग शेयर स्ट्रेन। तो ये हो जाता है हमारा फाइनल डेफिनेशन शेयर स्ट्रेन का। तो ये था हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में टर्म टू के लिए, बस इतना ही पढ़ना है क्लास 11 के सिलेबस में, बाकी इस चैप्टर से और कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत छोटा टॉपिक है और उसमें छोटे छोटे सिर्फ डेफिनेशन ही आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बाकी बस इतना ही रखते हैं और फिर हम करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो जो लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब आप क्लास 12 में जाओगे तो क्लास 12 का पूरा सिलेबस और पूरा कंप्लीट नोट्स और सब कुछ वीडियो अच्छे आपको इसी चैनल पर मिलेगा,